कहते हैं प्यार में नींद चैन सब उड़ जाता है, कोई हमसे भी करो कमबख्त नींद बहुत आ रही है। हेलो दोस्तों, आपका निकेत हाजिर है एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी है विवेक की। विवेक 18 साल का है और दिखने में गोरा भी है, न ज़्यादा दुबला है न ज़्यादा मोटा है, दाढ़ी मूछें भी निकलनी शुरू हुई थी। विवेक पास के ही स्कूल में पढ़ाई किया करता था, लेकिन अभी वो 12वीं का एग्ज़ाम देकर रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहा था। तब तक उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो अपने दोस्तों के साथ पूरा गांव घूमता था। विवेक का जहां पर घर था, उस घर से 4-5 घर दूर एक बहुत बड़ी घर थी, एकदम हवेली जैसी। लेकिन उस घर में अक्सर ताला लगा करता था, क्योंकि उस घर के सारे लोग शहर में शिफ्ट हो चुके थे। वो लोग बहुत पैसे वाले थे, तो लोग जब भी गांव आते थे, गांव के सारे लोग उनको बड़ी इज्जत करते थे। गांव के सारे लड़के उनके पास जाते थे, नमस्ते करते थे, उनसे बातें करते थे। एक रोज ऐसे ही टहलते टहलते विवेक और उसके कुछ दोस्त उस घर के सामने से गुजर रहे थे, तभी उन लोगों की नज़र पड़ी उस गेट पर। उन लोगों ने देखा कि गेट खुला हुआ है, तो सारे लड़के अंदर जाने लगे, पर विवेक नहीं जा रहा था। दोस्तों ने जबरदस्ती बोला, चलना घर में देख कर आते हैं, अंकल आए होंगे। उसको जबरदस्ती लेकर गए विवेक को। सारे लड़के अंदर गए, अंदर गए तो देखे कि भानु अंकल थे। भानु अंकल उस घर के मुखिया थे, मतलब सबसे बड़े सदस्य थे उस घर के। अब उस घर की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। भानु अंकल 54-55 साल के थे। घर के आगे बाउंड्री किया हुआ था, तो इन दोस्तों ने बाउंड्री का ही गेट खुला हुआ देखा था। चारों दोस्त बाउंड्री के अंदर गए, अंदर जाकर देखे तो घर के बाहर पार्क जैसा बना हुआ था, काफ़ी अच्छा घर था। घर की देखभाल की जिम्मेदारी गांव के एक आदमी किया करते थे। वो लोग जब नहीं रहते थे तो कभी कभी ये घर में जाकर साफ सफाई वगैरह करते थे। चारों दोस्तों ने जैसे ही गेट के अंदर गए, देखा कि अंदर पार्क जैसा बना हुआ है, और उन्होंने देखा कि उसी पार्क के बीचों बीच भानु अंकल कुर्सी लगाए बैठे हुए हैं। आगे एक टेबल था जिस पर वो पैर रखे हुए थे और चश्मा लगाए हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। जब चारों अंदर गए तो भानु अंकल की नज़र पड़ी इन लोगों पर। भानु अंकल बोले, आओ बेटा आओ, अंदर आकर बैठो यहाँ पर। सब जाने लगे और विवेक पीछे भागने लगा। चारों दोस्तों में विवेक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था, भानु अंकल भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। सुबह सुबह उनका उजला बाल और मूछ रखे हुए थे, एकदम गोरे और थोड़ा हेल्दी भी थे, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे वो भी। चारों आगे बढ़ने लगे, पर अचानक पता नहीं विवेक को क्या हो गया, वो पीछे मुड़ा और दौड़ कर गेट से भाग गया। पर ये तीनों दोस्त तीनों अंकल के पास गए। अंकल के घर में वो जो देख रेख करते थे सिर्फ वही थे और अंकल थे, तो अंकल ने 3 चेयर मंगवाया। तीनों लड़के बैठे, अंकल से बातें कर रहे थे। अंकल ने पूछा कि वो तुम्हारा चौथा दोस्त भाग क्यों गया, तो सब लड़के बोलने लगे, पता नहीं अंकल, बहुत शर्मीला है, शायद इसीलिए भाग गया होगा। फिर भानु अंकल इन तीनों लड़के से उसके बारे में पूछने लगे, काफ़ी कुछ पूछे। तो ये तीनों लड़के तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि वो अंकल उसका शिकायत कर रहे हैं, और ये तीनों मिलकर जानबूझकर और ज़्यादा उसका शिकायत कर रहे थे मज़े लेने के लिए। तीनों ने वहाँ पर नाश्ता किया, फिर बाहर निकलकर और रोड पर गए तो देखे कि वहाँ पर विवेक खड़ा हुआ है। तीनों जाकर विवेक से बोलने लगे कि तू भाग गया, अंकल तेरी बहुत शिकायत कर रहे थे। पर ऐसा था नहीं, यही तीनों मिलकर अंकल से इसकी शिकायत कर रहे थे, पर अंकल मुस्कुरा रहे थे। विवेक तो अब और अंकल के सामने नहीं जा रहा था। जब अंकल को देखता भी था कि आ रहे हैं तो छुप जाता था, क्योंकि उसको लगता था कि अंकल उसका शिकायत किए हैं तो कुछ पूछ ना दे, तो वो अक्सर छुप जाता था। और ये जब भागा था तो अंकल इसको और ज़्यादा नोटिस करने लगे। भानु अंकल ये जब छुपता था उनको देखकर, तो भी उसको नोटिस करते थे।
और भानु अंकल थे समलैंगिक, और ये सब जितना हो रहा था ये सब चीज़ें भानु अंकल को विवेक के तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। धीरे धीरे भानु अंकल के अंदर विवेक के प्रति प्यार जग रहा था और उनको ये सब अच्छा लग रहा था। विवेक का उनको देखकर छुपना भानु अंकल को बहुत अच्छा लग रहा था, और भानु अंकल अब दिल पर ले बैठे थे ये बात। उनको लग रहा था कि कैसे भी करके उनको विवेक से बात करना ही है। विवेक अगर अपने दोस्तों के साथ भानु अंकल के पास गया होता या फिर भानु अंकल को देखकर छुपता नहीं, तब शायद भानु अंकल उसको नोटिस न भी करते, पर अब भानु अंकल उसको न चाहते हुए भी नोटिस करने लगे थे। और उनको बार बार भानु याद भी आ रहा था, वो भानु को भूल ही नहीं पा रहे थे। कुछ भी कर रहे थे भानु याद आ रहा था। भानु अंकल अब जीत पर आ गए कि कैसे भी करके विवेक से वो मिल कर ही रहेंगे। उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया। विवेक तो कभी भानु अंकल के घर पर जाता नहीं था, पर विवेक के तीनों दोस्त ये तीनों तो अक्सर जाया करते थे। ज़्यादातर ये तीनों सुबह के वक्त जाते थे, क्योंकि सुबह सुबह जाने पर चाय नाश्ता मिल जाती थी, और इसी लालच में तीनों अक्सर जाया करते थे। विवेक भी जाता था, पर ये तीनों जैसे ही गेट के अंदर जाते थे वो भाग जाया करता था। ऐसे ही एक दिन तीनों चाय पी रहे थे, भानु अंकल बगल में बैठे हुए थे। तभी भानु अंकल ने पूछा कि वो जो तुम लोगों का चौथा दोस्त है वो मुझको देखकर भाग क्यों जाता है? क्योंकि अभी मैंने देखा कि वो तुम लोगों के साथ ही था और वो गेट तक आया, पर वहाँ से वो दौड़ कर भाग गया। तो तीनों बोलने लगे कि अंकल वो आपसे डरता है। अंकल बोले कि मुझसे डरता है, पर क्यों? तीनों बोलने लगे कि पता नहीं अंकल क्यों डरता है। अंकल बोले उसका नंबर है क्या? बोले कि हाँ अंकल है ना। तो अंकल बोले कि जरा उसको कॉल करो। तो तीनों में से एक ने उसको कॉल लगाया, रिंग जा रही थी। तब तक अंकल बोले कि मोबाइल मुझे दो। मोबाइल अंकल ले लिए। विवेक कॉल रिसीव किया, बोला बाहर आ गए क्या तुम लोग? अंकल बोले कि हेलो। विवेक डर गया, बोला कौन? अंकल बोले कि वही बोल रहा हूँ जिसको देखकर भाग गए हैं आप अभी। विवेक डर गया फिर, बोले अंकल कि आओ अंदर आओ। अब विवेक अब कर भी क्या सकता था। अब विवेक डरते डरते अंकल के पास गया, और वो तीनों दोस्त तो पहले से वहाँ बैठकर अंदर ही अंदर मज़े ले रहे थे कि अब इसका क्लास होगा। अंकल ने विवेक को बिठाया और पूछे कि आपका नाम क्या है? तो बोला कि मेरा नाम विवेक है। अंकल बोले ठीक है विवेक, तो मुझसे डरते क्यों हैं आप? विवेक ऐसे सर नीचे करे हुए बोल रहा था कि नहीं डरता नहीं हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद विवेक को लगा कि नहीं अंकल अच्छे आदमी है। तब विवेक कंफर्टेबल हो गया और वो भी अंकल से बातचीत करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद चारों बाहर चले गए। भानु अंकल चाहते थे कि सुबह सुबह जो चारों लड़के आते हैं सिर्फ विवेक ही अंदर आए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो भानु अंकल ने सोचा कि विवेक से अलग से बात करना पड़ेगा। तो भानु अंकल ऐसे ही एक दिन रोड से आ रहे थे, विवेक भी रास्ते में खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार विवेक भागा नहीं, वहीं पर खड़ा था। अंकल उसके पास गए, बोले कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्या? विवेक बोला कि हाँ। बोले कि अभी फ्री हैं? विवेक बोला कि हाँ फ्री हूँ। बोले कि चलिए आइए मेरे साथ, थोड़ा काम था आपसे। विवेक अंकल के साथ उनके घर चला गया। अंकल उसको लेकर अपने रूम में चले गए। रूम में गया तो विवेक तो देख कर शौक रह गया कि घर बहुत VIP था, अंदर हर एक सामान था। विवेक बेड पर बैठ गया, क्योंकि सोफा बहुत गंदा था, बेड पर बैठा हुआ था। अंकल बोले कि मैं जो प्रोडक्ट यूज करता हूँ, जो सामान, वो यहाँ पर आसपास मिल नहीं रहा है, तो मैं बताता हूँ, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि मुझको अभी कुछ दिन और रहना है, तो यहाँ पर आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। अंकल विवेक के बगल में बैठ गए।
और बताते बताते विवेक से एकदम चिपक कर बैठ गए। कभी उसका हाथ टच कर लिया करते थे, कभी उसके कंधे पर हाथ रख दिया करते थे, और ये चीज़ें विवेक को पता नहीं क्यों अच्छा लगने लगा था। विवेक को अंदर से अच्छा फील महसूस होने लगा था। उसने ऑर्डर कर दिया, बोला, अंकल जी आपका काम हो गया। अंकल उसका दोनों गाल खींचते हुए बोले कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। उसके बाद विवेक चला गया। अंकल का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, फिर विवेक का नंबर भी ले लिए। विवेक चला गया। अब अंकल किसी न किसी बहाने से विवेक को बुला लिया करते थे और किसी किसी बहाने उसको छू लिया करते थे। विवेक को भी बहुत अच्छा लगता था। एक का इच्छा अब जागने लगा। धीरे धीरे विवेक भी अंकल के प्यार में पड़ने लगा और वो अब अंकल को खुद कॉल करके अंकल के पास जाया करता था। अंकल तो घर में अकेला ही रहते थे, बस एक काम करने वाला आता था जो कि खाना बना देता था, साफ सफाई कर देता था, बाकी पूरा दिन अंकल अकेला ही रहते थे। अब विवेक चला जाता था, दिन भर उन्हीं के पास रहता था। दोनों खूब आपस में बात करते थे। एक दिन ऐसे ही विवेक और अंकल बेड पर बैठे हुए बातें कर रहे थे और विवेक बातों ही बातों में अंकल को टच कर लिया करता था। अंकल को लग गया कि विवेक भी इंटरेस्टेड हो गया है। अंकल ने करीब आना शुरू किया और देखा कि विवेक भी करीब आ रहा है। करीब आते आते दोनों किस करने लगे। फिर उसके बाद कहाँ रुकने वाले थे, फिर हो गई मस्ती। दोनों ने मस्ती किया, दोनों ने बारी बारी एक दूसरे को खाना खिलाया। भानु अंकल कभी खाना खिलाए नहीं थे, पर विवेक के वजह से उन्होंने पहली बार खाना खिलाए थे, आप लोग समझ जाइए। फिर ऐसे ही उनकी दोस्ती बनी रही और वो दोनों मिलते रहे। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उसको दबा लीजिए। मिलता हूँ बहुत ही जल्द। लव यू दोस्तों।